सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है ये हमारे न्यू चैप्टर का स्टार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर को। एंड ये हमारे आईपीसी का भी एक अलग चैप्टर है एंड हमारे भी सिलेबस का ये अलग चैप्टर है। अब ये चैप्टर जो है ये बहुत मतलब हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली एक डिक्शनरी के जैसा है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी बेयर एक्ट में एक चीज़ होता है जो कि डेफिनेशन होता है। देर इज़ अ पार्ट कॉल्ड डेफिनेशन, जहाँ पे बेसिकली उस बेयर एक्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार यूज होते हैं। एंड हो सकता है कि उन वर्ड्स को समझते वक्त लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न हो जाए, तो ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो, सो दैट द कन्फ्यूज़न इज़ नॉट हैपनिंग, दैट इज़ द रीज़न। क्या होता है कि हर एक बेयर एक्ट में सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में हमें डेफिनेशंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, कि ये डेफिनेशंस है, मतलब ये चीज़ अगर इस बेयर एक्ट में कहीं पे भी हमें दिखाई देती है तो उसका मतलब ये होगा। तो वैसे ही हमारे आईपीसी में भी चीज़ों के डेफिनेशन हैं जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर के अंदर में हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे देखने वाला पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस हैं वो किसी एक सेक्शन में ना हो करके अलग अलग सेक्शंस में हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो किसी भी बेयर एक्ट का सेक्शन नंबर 2 होता है, जहाँ पे उस बेयर एक्ट के हिसाब से जो जो डेफिनेशंस जरूरी होते हैं वो सारे डेफिनेशंस उसमें दिए रहते हैं। फिर यहीं पे सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D ऐसे करके सेक्शन 2Z उस हिसाब से वहाँ पे रहता है। लेकिन आईपीसी में क्या है कि आईपीसी में पूरा एक चैप्टर ही है, यानी कि एक सेक्शन में और उसके अंदर में ABCD करके ना दे करके यहाँ पे अलग अलग सेक्शन, जैसे सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो आइए हम इसे शुरू करते हैं। एंड मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अगर हिसाब से देखा जाए, सो ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसके ऊपर में क्वेश्चंस आता नहीं है। बट अगर आप बाद में चल करके जुडिशियरी या फिर कुछ वैसा करने का यहाँ पर सोच रहे हैं तो उस केस पर दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पूछा जा सकता है जुडिशरी के एग्ज़ाम में, कि ये डेफिनेशन आईपीसी के कौन से सेक्शन में है, तो उस हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेफिनेशन है ये सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 52A, इतने सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे हमें आईपीसी में आने वाले जो जो टर्म्स बार बार आईपीसी में रिपीट होते हैं उन टर्म्स के बारे में हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर में या फिर जितने भी डेफिनेशंस इस पूरे कोड में हैं उन सभी डेफिनेशंस का एक्सेप्शन हो सकता है। मतलब नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप देखते होंगे कि अगर मैं प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बोलता हूँ तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ही मस्ट नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो हर एक जगह पे ही ऐसा क्यों, ही और शी ये क्यों नहीं वहाँ पे रहता है? तो लॉ में ये डेफिनेशंस के हिसाब से या फिर लॉ का ये बेसिकली एक फॉर्मेट है कि अगर कहीं पे ही लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही प्लस शी दोनों ही होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आईपीसी में भी है, लेकिन आईपीसी में यहाँ पे बोला गया है कि अगर आईपीसी में कहीं पे ही लिखा है तो उसका मतलब नॉर्मली तो यही होगा कि ही मीन्स ही प्लस शी, मतलब हम ही लिख करके मेल प्लस फीमेल दोनों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे ही का मतलब सिर्फ मेल होता है तो ये भी हो सकता है। मतलब हम जो अभी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ये कोई ये नहीं है, मतलब दीज आर नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है।
कि एकदम यही होगा, मतलब जो भी डेफिनेशंस या फिर एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब सिर्फ ये है ऐसा नहीं है, उनके अलावा और भी अगर उनका कोई मतलब निकलता है तो वो भी हो सकता है, देयर आर सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। सो सेक्शन 6 यही कहता है कि डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस throughout this code every definition of an offense every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions though these exceptions are not repeated in such definition penal provision or illustration। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि IPC में हर एक चीज offense का definition penal प्रोविजन का डेफिनेशन इलस्ट्रेशन जो कुछ भी है वो सब के सब एक्सेप्शंस के लिए हो सकते हैं, देयर माइट बी एक्सेप्शंस इन दैट। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो भी हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं उनका मतलब जो हमें समझ में आता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वैसा रहे। अगर मैन का मतलब हमें आदमी समझ में आता है तो नॉर्मल मतलब उसका आदमी ही होगा, बट अगर कहीं पे भी मैन का मतलब वुमन भी हो सकता है तो वो भी हम आईपीसी के हिसाब से ले सकते हैं। मतलब सिंपल बात है कि जितने भी डेफिनेशंस हैं वो एक्सेप्शन के अंदर में आते हैं। खैर ये हम बाद में और डिटेल में मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में आते हैं, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। नाउ एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे जो जेंडर का डेफिनेशन है तो हर एक जगह पे इसी के हिसाब से डेफिनेशन का इस्तेमाल, मतलब इसी को ऐसे ही यूज़ किया जा रहा है। एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। मतलब यहाँ पे जेंडर का यहाँ पे जो जेंडर का डेफिनेशन है तो यही डेफिनेशन हर जगह है, ठीक है। जेंडर का जो डेफिनेशन सेक्शन 8 में है वो डेफिनेशन अगर हम कहीं पे भी जेंडर, अगर सेक्शन 8 को छोड़ करके अगर दूसरी जगहों पे हम जेंडर देखते हैं तो उसका मतलब एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जेंडर का मतलब कुछ और है एंड वहाँ पे कुछ और है, लेकिन हाँ अगर यही जेंडर जनरल एक्सेप्शंस के केस में आता है तो वहाँ पे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। खैर ये सेक्शन 6 और सेक्शन 7 थोड़े से ये हैं तो इसे कन्फ्यूजिंग है, तो हम जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम उस हिसाब से देखेंगे। मेन हमारा सेक्शन 8 से स्टार्ट होता है जो कि जेंडर के बारे में बोलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। मतलब आईपीसी में सेक्शन 8 में पहले ही बोल दे रहा है कि इस वर्ड, मतलब ये जो वर्ड है ही या फिर ही के साथ होता है हिज फिर हिम, ये सारे जो ही के डेरिवेटिव वर्ड हैं इन सब का मतलब दोनों ही जेंडर्स हैं। मतलब ही से हम यहाँ पे मेल जेंडर को भी दिखा रहे हैं एंड ही से हम यहाँ पे फीमेल जेंडर को भी दिखा रहे हैं। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव ये दोनों ही जेंडर मेल और फीमेल के लिए है। मतलब अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है ही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों के लिए ये औरतों के लिए इट इज़ नॉट फॉर द वुमेन। वो ही का मतलब मैन एंड वुमेन दोनों है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 9 जो कि नंबर का डेफिनेशन देता है ये क्या बोलता है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपियर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूडिंग द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इम्पोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कहीं पे भी आईपीसी में ये वर्ड हमें दिखाई देता है नंबर तो नॉर्मली जो मतलब इसका जो मतलब समझ में आता है वो है एक नंबर, नंबर मींस वन नंबर, बट आईपीसी में बोल दिया गया है कि वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द
रोल नंबर, मतलब अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि इफ़ सच नंबर ऑफ पर्सन आर अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर का मतलब उसमें एक आदमी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा आदमी भी हो सकता है। इसी के जैसे अगर कहीं पे नंबर की जगह ये लिखा हुआ है नंबर्स, तो इसका भी मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा है। ओके, इट इज़ नॉट दैट इफ़ देयर इज़ रिटन नंबर सो दैट मीन्स मोर देन वन पीपल। इट कैन, मतलब यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि नंबर का मतलब सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं, एंड नंबर्स का मतलब एक से ज़्यादा आदमी के बारे में नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है हम नंबर लिख के भी दो या दो से ज़्यादा आदमी के बारे में बोल सकते हैं, एंड हम नंबर्स लिख कर भी एक आदमी के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन 10, मैन वुमन। अब यहाँ पे बोला गया द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मतलब ये बेसिकली लोगों का जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर करने के लिए है। अब अगर आईपीसी में सेक्शन 10 हमें ये बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है मैन, सेक्शन 10 हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी मैन वर्ड लिखा हुआ, सेक्शन 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कहीं पे भी हमें मैन वर्ड दिखाई देता है, तो मैन वर्ड का मतलब नॉर्मली ये लोग समझते हैं कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का होता है, बट यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि मैन का मतलब सिर्फ एक बड़ा आदमी या फिर 30-40 साल का आदमी नहीं है। मैन वर्ड का मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी जिसका एज कुछ भी हो सकता है, एक साल से लेकर के 100 साल तक का भी अगर कोई मेल आदमी होगा तो उसको हम लोग मैन बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर एक साल से लेकर के 100 साल के बीच में कोई भी फीमेल होती है तो उसे हम लोग वुमन बोल सकते हैं। मतलब मैन का मतलब कोई भी मेल आदमी जो उसका कोई भी एज हो सकता है, एंड वुमन का मतलब कोई भी फीमेल आदमी उसका कोई भी एज हो सकता है। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 11। अब सेक्शन नंबर 11 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है पर्सन के बारे में। ये कहता है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब पर्सन का मतलब नॉर्मली लोग यही समझते हैं जैसे मैं और आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉरपोरेट लॉ को स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पे पर्सन का मतलब सिर्फ एक आदमी ही नहीं, उसके साथ साथ कोई कंपनी भी होती है या फिर एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब हम लोग नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको पर्सन बोलेंगे ही, उसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को भी हम लोग पर्सन बोलेंगे, फिर अगर कोई पार्टनरशिप है तो उसे भी हम लोग पर्सन बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे सेक्शन 11 में ये बोल दिया जा रहा है कि पर्सन वर्ड का मतलब सिर्फ कोई नॉर्मल जीता जागता आदमी नहीं, इसके साथ साथ नॉन लिविंग पर्सन जैसे कंपनी एंड पार्टनरशिप वो लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेगा पब्लिक के बारे में। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, मतलब हमारा जो भारत देश है उसका कोई भी क्लास, मतलब जैसे अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल के जो लोग होंगे उनको भी पब्लिक कहा जा सकता है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र के लोगों को भी पब्लिक कहा जा सकता है। मतलब पब्लिक का मतलब कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी पब्लिक का क्लास उसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब जैसे जो बंगाली पब्लिक, तो बंगाली पब्लिक का मतलब क्या होगा, बंगाली क्लास के लोगों को यहाँ पे पब्लिक बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13 जो कि
रिपील हो चुका है तो वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 14 के बारे में अगर बात करें तो वो है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स के बारे में बोला जा रहा है। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कोई भी आदमी या फिर कोई भी ऑफिसर या सर्वेंट जो कि अपॉइंट हुआ है या फिर काम कर रहा है या फिर कंटिन्यू कर रहा है अपना नौकरी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर में, मतलब सिंपल बात है, अगर कोई भी ऑफिसर या फिर ऑफिसर को छोड़ करके कोई दूसरा आदमी वो अगर सरकार के लिए काम करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो हम उसे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा आदमी जो कि सरकार के लिए काम करता हो, ठीक। अब ये सेक्शन नंबर 15 और 16 के भी हमें जरूरत है नहीं तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 17 की तो यहाँ पे बात किया जाता है गवर्नमेंट के बारे में। नाउ द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। अब ये क्या बोल रहा है कि आईपीसी में अगर कहीं पे भी हमें गवर्नमेंट दिखाई देता है तो उसका मतलब दो मतलब हो सकता है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में बात हो रहा है या फिर गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इन सब के बारे में हो रहा है। मतलब सरकार का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है और उसी के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया। अब इंडिया का मतलब सिंपल बात है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का मतलब है यहाँ पे भी इंडिया का मतलब वही है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया का डेफिनेशन हमें सेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब वो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो पूरा इंडिया है इसी के साथ साथ जो वाटर बॉडीज़ वाले जो जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मतलब बेसिकली जो भी इंडिया का डेफिनेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जा रहा है वो सभी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर है सेक्शन नंबर 19 जो कि जज के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर कहीं पे भी जज लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा। नाउ द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेट जजमेंट और अ जजमेंट इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव और अ जजमेंट विच इज कन्फर्म्ड बाई सम अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव और विच इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। देखिए नॉर्मली जज का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जो जुडिशरी का एग्जाम दे करके किसी भी कोर्ट में जज का काम करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ उसका मतलब ही जज नहीं है, मतलब सिर्फ ये नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जो आदमी जुडिशियरी पास करके अपने किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक जज है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो तो जज है ही, लेकिन उसको छोड़ करके अगर कोई ऐसा भी आदमी है जिसके पास ये पावर है, मतलब एक लीगल पावर है कि वो भी किसी लीगल प्रोसीडिंग में जज की तरह काम कर सकता है तो वो भी जज में आ जाएगा। मतलब नॉर्मल जज तो है ही जज के डेफिनेशन में, लेकिन इसको छोड़ करके कोई एक ऐसा आदमी जो कि जज नहीं भी हो सकता है बट फिर भी अगर उसके पास में एक ऐसा पावर है कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग में जज की तरह काम कर सकता है तो उसे भी हम लोग जज बोल सकते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट। मतलब देखिए कुछ स्पेशल लॉज होते हैं जहाँ पे एक चीज़ को बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूनल।
ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं इसमें भी जज के जैसे यहाँ पे भी लोग रहते हैं, बट वी डू नॉट मतलब, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे जज नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग मतलब उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग एक्ट्स के हिसाब से अलग 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 नाम हैं जो कि उनको दिए जाते हैं, तो उनको फॉर्मली हम लोग जज नहीं बोलते हैं, बट फिर भी वो लोग जज के जैसा ही काम करते हैं, वो लोग भी दोनों पक्ष का सुनवाई सुनते हैं फिर अपना एक डिसीजन देते हैं। तो आईपीसी क्या बोल रहा है कि जो आदमी जज का काम फॉर्मली कर रहा है वो तो जज है ही, बट उसको छोड़ करके कोई ऐसा आदमी जो कि फॉर्मली देखा जाए, जो कि नॉर्मली देखा जाए, तो वो जज ही इज नॉट अ जज, बट फिर भी अगर वो जज के जैसे डिसीजन सुना सकता है या फिर उसके पास ये पावर होता है कि वो जज की तरह काम कर सकता है, तो ही इज ऑल्सो अ जज। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जो लोग काम करते हैं वो उनको फॉर्मली जज नहीं बोला जा सकता है, बट आईपीसी उनको भी जज के डेफिनेशन में काउंट करता है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 20 है जो कि बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। नाउ द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब यहाँ पे हम उन कोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कोर्ट्स। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है, इसका भी मतलब एक जज ही होता है, मतलब एक जज जो कि अपने कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसी जज को यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है। अ जज हु इज वर्किंग इन हिज कोर्ट, देन वो जो मतलब वो जो एक्टिव कोर्ट है जहाँ पे जज है, जहाँ पे दोनों पक्ष हैं, तो ये जो एक्टिव कोर्ट है इसको हम लोग कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। तो अगर एक जज अपने कोर्ट में वो काम कर रहा है, तो जब वो काम कर रहा है तो उस केस में उस कोर्ट को या फिर वो जो वहाँ पे जो वो जो लोगों का जो ग्रुप है उसको हम लोग कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल सकते हैं, या फिर अगर बहुत सारे जजेस भी साथ में काम कर रहे हैं, जैसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे एक नहीं बल्कि 4, 5, 6, 7 जजेस रहते हैं, तो वैसे केस में भी अगर वो सब मिल करके एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो जब वो लोग काम कर रहे हैं मीन्स एट द टाइम ऑफ देयर ड्यूटी दे आर नोन एज कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब एक जज जो कि अभी एक्टिवली काम कर रहा है वो अपनी ड्यूटी पे है। एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस का और भी एक मतलब है कि अगर एक जज के साथ साथ और भी अगर लोग हैं तो वो लोग भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में ही आते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें पब्लिक सर्वेंट, अब ये पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है, तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको ही पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, ठीक है। अब द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियर एंड आफ्टर फॉलोइंग। अब यही इसका मेन पॉइंट है क्यों हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग पब्लिक सर्वेंट के बारे में सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है या फिर जो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, बट यहाँ पे क्लियरली बोल दिया जा रहा है कि अगर कोई आदमी ये जो सारे यहाँ पे कंडीशंस हैं अगर वो इन कंडीशंस में काम करता है तो हम उसे पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। मीन्स एनी पर्सन हु इज़ वर्किंग अंडर एनी ऑफ दीज कंडीशंस देन ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। तो आइए अब ये कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन जो था उसको हटा दिया गया है, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट कंडीशन।
सेकेंड कंडीशन कहता है एवरी कमीशनड ऑफिसर इन द मिलिट्री नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन मिलिट्री में, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयर फोर्स में जो भी आदमी पैसे के बदले में नौकरी कर रहा है तो उसे हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। मतलब मैं अगर एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं सरकार से पैसे ले करके वहाँ पे आर्मी में, वहाँ पे सोल्जर का नौकरी करता हूँ, तो मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ। ओके, फिर इसके बाद एक एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, मतलब अगर कोई जज है या फिर इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि डायरेक्टली जज तो नहीं बोला जा सकता है, बट फिर भी अगर उसके पास ये पावर है कि वो जज के जैसे काम कर सकता है तो उसे भी हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। मीन्स इफ़ एनी पर्सन इज वर्किंग एज अ जज और एज अ पर्सन हु इज़ नॉट डायरेक्टली अ जज बट ही इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू वर्क एज अ जज, देन ही इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। ओके, फिर इसके बाद आता है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ अ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर रिसीवर और कमिश्नर हुज ड्यूटी इज इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और टू मेक ऑथेंटिकेट और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज। मतलब फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि जज को छोड़ करके एक कोर्ट में जो भी लोग काम करते हैं, यानी कि जो आप देखते होंगे कि जज के आगे में लोग रहते हैं जो कि वहाँ पे टाइपिंग का काम करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे वहाँ पे लोग रहते हैं जो कि जज का हेल्प करते हैं। पहले के ज़माने में जैसा होता था कि जज के पास में दो लोग खड़े रहते थे, तो ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जज को छोड़ करके एक कोर्ट में जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं वो लोग भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं। मीन्स अपार्ट फ्रॉम द जज ऑल दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग इन अ कोर्ट दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। ओके, ये बात मैं आपको बस इतना यहाँ ध्यान रखना है कि एवरी पर्सन वर्किंग इन अ कोर्ट जो कि ऑफिशियली काम कर रहा है। ओके, मतलब ये नहीं कि मेरा मन किया तो मैं आ जाके काम कर रहा हूँ, नो, अगर मैं ऑफिशियली काम कर रहा हूँ, वो काम मुझे दिया गया था एंड तब मैं वो काम को कर रहा हूँ तो हम उसे पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट एवरी ज्यूरी मैन असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और अ पब्लिक सर्वेंट। या फिर ये तो वो लोग के बारे में बात हो गया जो कि कोर्ट में काम करते हैं, बट अगर कोई आदमी कोर्ट के साथ कोऑपरेट करके काम करता है, यानी कि अगर कभी ये होता है कि पंचायत में कोई केस आया लेकिन बाद में वो केस जो है वो कोर्ट में आ गया, तो पंचायत जो कि कोर्ट को मदद कर रही है उस पंचायत को भी हम यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे। ओके, एवरी ज्यूरी मैन असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब अगर कोई पंचायत है जो कि कोर्ट के साथ मिल करके काम कर रही है तो जो भी लोग उस पंचायत में हैं उन सभी को पब्लिक सर्वेंट मान लेंगे। ठीक है, फिर सिक्स्थ पॉइंट कहते हैं एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और एनी मैटर हैज बीन रिफर्ड फॉर डिसीजन फॉर रिपोर्ट एनी कोर्ट ऑफ। अब आर्बिट्रेटर कौन होता है, जो कि ये बेसिकली कंपनीज के केस में होता है कि जब कोई कंपनी क्लोज हो रहा होता है तो वो लोग आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, जो कि बेसिकली आपका कंपनी का जो क्लोजिंग का काम है वो आपको करवा करके देता है। तो ये जो आईपीसी है वो ये बोलता है कि वो जो आर्बिट्रेटर है ही इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, फिर एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब बेसिकली यहाँ पे जेल के बारे में बोला जा रहा है कि जो लोग जेल में काम करते हैं या फिर जिनको कोर्ट ने एम्पावर
कर रखा है कि वो किसी आदमी को कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं, मतलब बेसिकली जेल में जो लोग काम करते हैं उनको भी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट में काउंट कर लिया गया है। ठीक है, फिर एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस। मतलब कोई भी आदमी जिसका काम है कानून का सुरक्षा करना, वो भी पब्लिक ऑफिसर में आता है, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। ओके, फिर एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपैंड द एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस और टू इन्वेस्टिगेट और टू रिपोर्ट एनी मैटर और इफेक्टिव। मतलब सिंपली बोला गया है कि सरकार के साथ जो लोग जमीन का काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो कभी कभार लोगों का जमीन खरीदती है कोई डेवलपमेंट का काम करने के लिए, तो जो लोग सरकार के लैंड रेवेन्यू में काम कर रहे हैं, सरकार का जो जमीन विभाग है उस जमीन विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपैंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट और टू लेविक। मतलब ये बोला गया है कि जो लोग जमीन विभाग में काम करते हैं, जिनका काम है कि वो लोग जो जमीन का टैक्स होता है वो कलेक्ट करना, ये देखना कि जो लैंड लॉज है वो प्रॉपरली अप्लाई हुए हैं कि ये देखना कि जो लैंड लॉज है वो प्रॉपरली अप्लाई हुए हैं कि नहीं, तो वो लोग भी इसके अंदर में आ जाते हैं, वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर में आ जाते हैं। सो एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, टू लेवी। मतलब यहाँ पे बोला गया कि जमीन विभाग के साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग भी पब्लिक सर्वेंट में है। फिर है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। मतलब जो लोग इलेक्शन के लिए काम करते हैं, जो लोग इलेक्शन में काम करते हैं, उन लोगों को भी पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। एंड एवरी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाई फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो कि परमानेंटली तो सरकारी नौकरी नहीं करता है, बट अगर थोड़े टाइम के लिए भी सरकार उसे कोई भी काम करने को कहती है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर में आ जाता है। एंड इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी या कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब अगर कोई म्यूनिसिपल लेवल पे अगर कोई ऑफिसर काम करता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट है नहीं, मैं कहूँ तो ये सेक्शन भी उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। ये जो सेक्शन है ये बेसिकली हमें ये बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन हो सकते हैं। नॉर्मली पब्लिक सर्वेंट जो है वो हम यही समझते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी का काम करते हैं वो लोग हैं, लेकिन आईपीसी में ये जरूरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जिसको हम पब्लिक सर्वेंट समझते हैं वही पब्लिक सर्वेंट हो। इसीलिए यहाँ पे इन सारे लोगों को जो ये काम बेसिकली करते हैं उन लोगों को यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट बोल दिया गया है। ठीक है, ओके, सो आज का लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इसके बाद खास कुछ है नहीं समझाने के लिए। एंड ये जो चैप्टर है ये बोरिंग है, बट अगर मैं कहूँ तो बस आप इसको एक बार देख के रख लीजिए, ये एग्ज़ाम में उतना काम भी आने वाला है नहीं। बस अगर आप बाद में चल करके नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो ये काम आ सकता है। ठीक है, खैर मेरा तो ड्यूटी था तो मैंने इसमें समझा दिया। ओके, सो ये जो बाकी के डेफिनेशंस हैं वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, तो मिलते हैं
कल के लेक्चर में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।